हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, एक नया जीके का पार्ट लेके आया हूँ। जीके पार्ट वन मेरा ख़त्म हो चुका है, ये मेरा जीके पार्ट टू है। ठीक है, तो मैं अपना जो भी जीके के पार्ट्स के क्वेश्चन देने वाली हूँ तो नंबर 1, 2, 3 ऐसा लिख के देने वाली हूँ जिस तरीके से आपको पूरा जीके पढ़ना है। जब मैं आपको स्पेशलाइज का आपके सब्जेक्ट का टॉपिक दूंगी, मतलब आपका जो आर्मी फोर यहाँ पे है उसके मैं जब आपको जीके वगैरह दूंगी, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स दूंगी, तो उसमें भी नंबर 1, 2, 3 में ऐसे डालूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा वीडियोस देखना है। आधा आधा घंटा टाइम निकाल के पूरा अच्छे से मेरा वीडियो देखो, लर्न करो, और डेफिनेटली आपके जीके करंट अफेयर्स में एटलीस्ट पूरा कोशिश करूंगी। आपका जीके जनरल साइंस इंग्लिश मैंने ऑलरेडी एक ही दिन अच्छे से ख़त्म कर दिया है, उससे ज़्यादा और इंग्लिश में नहीं पूछा जाएगा। जैसे टाइम मिलेगा तो इंग्लिश के मैं और भी क्वेश्चन आपको दे दूंगी, जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत यहाँ पे करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। आज मैंने यहाँ पे वर्ल्ड कप जो फुटबॉल है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया, क्योंकि देखो अपने इंडिया कंट्री में एग्जाम होने वाला है तो क्रिकेट के बारे में सबको पता है। ठीक है, जो ये वर्ल्ड कप हो गया, फुटबॉल हो गया, ये हॉकीज हो गई, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहले के टाइम के जीके पता है कैसे पूछा जाता था, जीके में स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के बारे में पूछा जाता था। आज भी क्रिकेट के बारे में पूछता है बस एक या दो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसके बारे में पूछे जाते हैं, हॉकी, वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ों में पूछे जाते हैं, फुटबॉल हो गया तो टेनिस हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पूछे जाते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक अब तक ऑलरेडी क्रिकेट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जाहिर सी बात है सामने वाला पर्सन जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो भी बोर हो चुका है, हम भी बोर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो नया ट्विस्ट लेके आता है, अब नए नए क्वेश्चन पूछता है। आप 3 साल के कोई भी, आप कोई भी क्या करो, एंट्रेंस एग्जाम का पेपर उठाओ और क्वेश्चन वहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो देखो आपको टेनिस बॉल, फुटबॉल ये सब देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्रिकेट का सिर्फ एक या दो क्वेश्चन देगा बस, ज़्यादा आपको इसके बारे में देने वाला है। तो वर्ल्ड कप हो गया, आपको और भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ, वो पूरा आपको क्या करना है, ए टू जेड लर्न करना है। तो मैंने वर्ल्ड कप का यहाँ पे टॉपिक लेके आई हूँ। हाउ मेनी टीम्स हैव वन द वर्ल्ड कप सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1930, यहाँ पे आंसर ए है, तो वो क्या है, 8, यहाँ पे 8 का नाम भी दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, ब्राज़ील हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप टाइटल्स टू इट्स क्रेडिट, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इट वॉन द वर्ल्ड कप सो फॉर, तो यहाँ पे आंसर है ए, मतलब 5, कितना टाइम लगा दिया उसने उसको जीतने के लिए, 5। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो चाहे फुटबॉल हो, टेनिस हो, क्रिकेट, उसका फर्स्ट और लास्ट टाइम हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम है, बी आंसर 1930। विच कंट्री वॉन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, कौन सी कंट्री ने फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, वो है सी, यहाँ पे ऑर्गियो, यहाँ पे ऑर्गियो दिया है, मतलब सी यहाँ पे ऑर्गियो है। ठीक है, आंसर सी है इसका। पाउल अ मैरिन क्रिएचर विच सपोजली प्रिडिक्टेड द आउटकम ऑफ मेनी मैचेस इन वर्ल्ड कप 2010 वॉज ए एन, इसका आपको यहाँ पे कुछ ना बताना है, यहाँ पे नाम बताना है, यहाँ पे सी ऑक्टोपस। ठीक है, इन विच कंट्री इज फीफा, फीफा हो गया, ये सब के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। हाँ, इन विच कंट्री इज अ फीफा वर्ल्ड कप 2018 शेड्यूल टू बी प्लेड, तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, बी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डज द फेमस प्लेयर रोनाल्डो हु हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप गोल्स बिलोंग, तो यहाँ पे आंसर है डी ब्राजील। इन विच कंट्री आर द हेड क्वार्टर्स ऑफ फीफा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ बहुत सारे पेपर्स को देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये सारे मैंने क्वेश्चंस निकाला है, तो थोड़ा सा टाइम जाएगा बट मैं ये वीक तक पूरा बहुत क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो फीफा का हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, वो है ए स्विट्जरलैंड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट गोल्स इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे सी है मेरोस्लैव कोल्स कैलोसे, ओके। काफ़ी अजीब सा नाम है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है बस। देखो फ्रेंड, जीके ना बहुत मतलब कैसा होता है, आज अच्छे से आपने शाम को अच्छे से पढ़ा, सुबह थोड़ा सा एक बार ऊपर ऊपर से और देख लो, लर्न कर लो, माइंड में अपने आपको वर्ड हमेशा ही ध्यान में रहेगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो वर्ड आपके माइंड में ध्यान रहेगा। जीके यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म तक लर्न नहीं किया जा सकता, आज लर्न क्यों, शायद एक हफ्ता तक लर्न रहेगा, बाकी फिर हम लोग वापस भूल जाएंगे, ठीक है। तो जीके हमारा ऐसा होता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, कोई जीके पूरा सालों साल नहीं चलने वाला, हर दिन का नया नया करंट अफेयर्स आता है। हु ऑफ द फॉलोइंग वन द वर्ल्ड कप बोथ एज अ कैप्टन एंड मैनेजर ऑफ हिज कंट्री टीम। तो यहाँ पे आंसर है सी फ्रेंच बैक एंड बेलियो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रॉफी वॉज अवॉर्डेड टू द विनर्स ऑफ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट अंटिल 1970। यहाँ पे आंसर है डी जूल्स रेमेट रेमेट ट्रॉफी। वॉट काइंड ऑफ एनिमल्स वॉज जेबी बका द मैस्कोट फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2018। यहाँ पे डी आंसर है वोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन बॉल और द बेस्ट प्लेयर अवार्ड एट द 2018 फीफा वर्ल्ड कप। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्या है, ए आंसर है लुका मॉड्रिक। इन विच ईयर डिड फ्रांस विन द वर्ल्ड कप अर्लियर, आंसर है बी 1998। थाइबाउट कोर्टोस हु वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन गोल अवार्ड फॉर द बेस्ट एंड गोलकीपर एट द वर्ल्ड कप 2018 फ्रॉम विच कंट्री, डी बेल्जियम। हु वॉज द कैप्टन ऑफ द 2018 वर्ल्ड कप विनिंग टीम ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे आंसर ए हुगो लॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कॉन्फेडरेशंस डिड द मोस्ट नंबर ऑफ टीम्स क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप 2018 फाइनल 32। तो यहाँ पे आंसर सी है, मतलब यहाँ पे यूफा दिया है, UEFA। Who of the following players scored a hat-trick of goals in World Cup 2018? Answer C, both A and B, मतलब आपका जो यहाँ पे A और B आंसर है वो है हैरी केन है और क्रिस्टिनियो रोनाल्डो है। लास्ट टू क्वेश्चन है ये आपका, लुजिगियो स्टेडियम विच होस्टेड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमोनीज इन वर्ल्ड कप 2018 इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पे आंसर है आपका ए मॉस्को। लास्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉज अवॉर्डेड द फीफा फेयर प्ले अवार्ड एट द वर्ल्ड कप 2018 टूर्नामेंट। यहाँ पे सी आंसर है स्पेन। तो ये पता है 2018 के वर्ल्ड कप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट, 2017-16 इतना ओल्ड आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे नेवी ट्रेड्समैन हो आर्मी हो, सबके एग्जाम हर साल हो रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम हर साल हो रहा है, और हर साल यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, हर साल की करंट अफेयर्स को पूछ लेता है। तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा 2018 का पूछेगा 2019 का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 2019 में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, 2018 के वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स में पूछने वाले हैं। 2019 का ऑलरेडी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन या फिर नए जीके के साथ में, या कोई नया सजेशन वगैरह यहाँ पे जो भी रहेगा उसमें हम यहाँ पे देखेंगे अपने न्यू वीडियो में। अगर आपको कुछ और भी डाउट होगा तो आपको कमेंट करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है कि मेरे स्टूडेंट यहाँ पे मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दूँ, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, जो भी आपको डाउट है माइंड में, आपको क्या करना है, कमेंट करना है, हम यहाँ पे सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद वीडियो बनाते हैं। आपने स्पेशलाइज टॉपिक बोला तो मुझे थोड़ा टाइम लगा कल से आज में उस तरीके से पूरा ढूंढने में, हर चीज़ करने में, तो मैंने आज आपके लिए मैंने वो भी टॉपिक आपका डिमांड कंप्लीट कर दिया। अब मैं चाहूँगी अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है ये एग्जाम से रिलेटेड, आपको क्या करना है, कमेंट करता है करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, एक नए सजेशंस, और मेरा लास्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ये है
प्लीज़ सारे जीके को अच्छे तरीके से पढ़ लो, लर्न कर लो, पूरा अच्छे से देखो, एक नोटबुक बनाओ, पूरे नोटबुक में सारा जीके लिखते जाओ। पहले वीडियो करके सारा वीडियो पूरा जहाँ पे जीके लिख लो, फिर रोज़ 10 क्वेश्चन सुबह 10 क्वेश्चन शाम को इस तरीके से पढ़ते जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।